ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्रों का दर्द आज पूरा भारत देख रहा है, लेकिन क्या मंत्री जो है वो इनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं? क्या उनके कानों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? तमाम छात्रों से हम बातचीत करेंगे। इतना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कोई मिलने आया है, किस तरीके की बातें आप सुन रहे हैं? सर अभी तक तो ना कोई मिलने आए हैं, लास्ट दो दिन से तो कोई मिलने नहीं आया। लास्ट टाइम LG साहब आए थे, LG साहब के अलावा कोई नहीं आया। उल्टा प्रोटेस्ट को उल्टा खाली करा दिया गया रोड से, जिसे राइट और नॉट नहीं ये पूछना चाहता मीडिया से लोगों से। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पे छात्र बैठे ही हुए हैं, धूप का लगातार जो है, और मेंस का पेपर भी करीब है। यस सर, मेंस का पेपर भी करीब है और आधे से ज़्यादा बच्चे तो मेंस लिखेंगे और कुछ नेक्स्ट टाइम क्लीन्स की भी तैयारी करेंगे। बट इस टाइम पे बच्चों को पढ़ना चाहिए या अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, अब ये बताइए। लेकिन एटलीस्ट लेकिन बच्चों की मांग तो कोई सुने, कोई तो मांग सुने, कोई नहीं है सुनने वाला। ना ही यहाँ का MP, ना ही MLA, ना ही MCD कमिश्नर्स, ना ही यहाँ का DM, जो लोग जो यहीं से पढ़ के गए लोग। जी देखिए लगातार जो है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी जो स्थितियाँ सरकार और छात्रों के बीच में जो समन्वय वो नहीं बन पा? अभी बेसिकली एक ही चीज़ की जा रही है कि कैसे भी स्टूडेंट को डाइवर्ट कर दिया जाए, प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर दिया जाए, सो दैट स्टूडेंट्स अपनी डिमांड को रख ना पाएँ। और मैं तो बस एक बात पूछना चाहूँगी, जो भी हमारे समाज के जो सो कॉल्ड बेस्ट टीचर्स हो गए, बेस्ट पॉलिटिशियन हो गए, जो हमारे रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं, जिनके बच्चे खुद बाहर की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं, वो आए और देखें जिन स्टूडेंट से वो भर भर के पैसा कमाते हैं, एटलीस्ट उनके लिए वो आवाज़ उठाएं। और अगर आज इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया तो फिर जो भी एक वैलिड चीज़ें हो सकती हैं, लॉज पास हो सकते हैं, वो भी नहीं हो पाएंगे। ये बड़ा दर्द है कि छात्रों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है और किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरा नाम विशाल है। अब हम 4-5 दिन से ORM में हम रहते हैं, हम यहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गला बैठ गया हमारा चिल्ला चिल्ला के, बट कोई रेंट कम करने की बात नहीं हुई है, और हो भी रही है तो सब लोग कमिश्नर से लेके सब लोग बोल रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है, दिल्ली में 2-2 सरकारें हैं, कुछ नहीं हो सकता। एट द एंड क्या है पता है, स्टूडेंट की डिमांड क्या है? फीस कम हो, रेंट कम हो, लाइब्रेरीज की फ़ीस कम होनी चाहिए, क्लासेस की फ़ीस कम होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। ये तारे हट जाएगी, बस ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाएगा, 2-4 बेसमेंट सील कर देंगे। पिछली बार भी ये सब हुआ था, 1 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब ये गर्मा गर्मी रहेगी, उसके बाद आप आ जाना पक्का, अगस्त के एंड में सारे बेसमेंट चलेंगे, सारी फीस देंगे उतनी। अभी बेसमेंट बंद करना एक उपाय वो है, बट अब बेसमेंट बंद करने के कारण जो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर लाइब्रेरीज है ना, उनकी रेंट अभी जाओ आप 2-4 लाइब्रेरी में बताता हूँ आपको, वहाँ पर जाओ 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये फीस हो गई अभी तुरंत। देखिए बेसमेंट में कहीं ना कहीं, देखिए इसका मौके का फ़ायदा भी साफ जो है वो उठाया जा रहा है। इस तरीके की स्थितियां भी यहां पर बनने लगी हैं, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर्स बंद हुए, जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी हैं उनके किराए बढ़ चुके हैं। मतलब स्टूडेंट्स को एक दर्द तो यहां पर साफ देखने को ही मिल रहा है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि इनके परिवारजन जो होंगे उन पर इस स्थिति को देखते हुए क्या कुछ बीत रही होगी। सभी लोग इस चिंता के समय में डर जाते हैं। आपकी क्या खुश राय कमेंट सेक्शन में लिखते रहे। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क।